हाय एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिट्टू फूड लैब में। टुडे वी विल सी द रेसिपी ऑफ गोभी मंचूरियन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो फॉर द लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 कप गोभी का फूल लेना है, कॉलीफ्लावर। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, इसको ले लेना है। फिर इसमें अब हम अपने कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, तीन से चार चम्मच हम मैदा की ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें जिंजर लेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन लेंगे, जिंजर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड करेंगे अच्छे से, और 1 चम्मच हम इसमें अपना सोया सॉस ऐड करेंगे। ये सारे मिक्सचर हमारा अच्छे से हो गया है, और 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। ये सारे को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये ध्यान रखना है, ये जो भी कोट है ये सारा अच्छे से गोभी पे अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे हम। मिक्स हो गया है, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक देख के ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम सॉस बनाएंगे उसमें भी हम नमक ऐड करेंगे, तो उसके हिसाब से ही हम नमक ऐड करेंगे। और इसको एक बार अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे। इसमें मैदा हमें अपने हिसाब से डालना है, जितना आपका गोभी है उस हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा डाला है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। ये देख रहे हैं आप, जितना अच्छे से ये कोट हो रहा है उतना ही मैदा हमें डालना है। हमने अपनी कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रख दिया था। अब जो हमने अपने गोभी मैरिनेट किए हैं उसको हम डीप फ्राई करेंगे। एक एक करके हम इसमें अपने सारे गोभी ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने गोभी को ऐसे फ्राई करके रख लिया है, अब हम इसका सॉस बनाएंगे। हम आज ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं, तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या करना है। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। जैसे ये ऑयल गरम होगा मैं इसमें अपने चॉप गार्लिक डालूंगी, चॉप जिंजर डालूंगी। ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें अपने ये डाइस किए हुए अनियंस डालेंगे। अनियंस को काट के हमें अच्छे से खोल लेना है, चॉप नहीं करना है इसको, पूरा सबको फुल फ्लेम में ही पकाना है। प्याज हल्की सी भून गई है, भूनना नहीं है इसको हमें, बस हल्का सा पकाना है। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून शेजवान चटनी ऐड की है, 2 टेबलस्पून हम इसमें टमेटो कैचअप ऐड करेंगे। ये सब फुल फ्लेम में ही करना है फ्रेंड। इसमें हम अभी अपना सोया सॉस डालेंगे, 3 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसमें हम अपना 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये सब फुल फ्लेम में ही हमको रोस्ट करना है। अभी इसमें हम 2 टीस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे, फुल फ्लेम में ही पकाना है। और अभी हम इसमें अपना कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसका डाइस में कटा होना चाहिए। हल्का से सारे सॉसेस पक गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितना इसमें हम अपना बाल मिर्च ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून जितना इसमें हम अपना विनेगर ऐड करेंगे। फिर इसमें मिर्च का नमक देंगे,
अभी हम इसमें अपना 1 टीस्पून चिली पेस्ट ऐड करेंगे। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। सारे सॉसेज में भी नमक होता है, इसे नमक आप देख के डालेंगे। अभी हमारा ये सॉस बनके रेडी है। अब इसमें हमारे जो डीप फ्राइड गोभी हमने रख करके रखे हैं वो ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाहे तो हम अपनी गैस की फ्लेम थोड़ा मीडियम में रख सकते हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे 1 से 2 मिनट ही बस मिक्स करना है। जब सारे मसाले और सॉस अच्छे से गोभी में कोट हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे। If you like this video, please like and subscribe to our channel, Mithu Food Lab. Thank you.